हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑसम फूड। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, बालूशाही रेसिपी, इसको बदुशा भी बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप कितना डिलीशियस लग रहा है, कितना यम्मी दिख रहा है। ये देखकर ही लग रहा है ना एकदम हलवाई जैसी बालूशाही। आप इसे बिल्कुल घर पर बना सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर दें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड कप से 1 कप चीनी ली हुई है। यहाँ पे मैं छोटे कप से लगभग 1.25 कप के करीब में पानी डाल रही हूँ। स्टैंडर्ड कप से आप लोगे तो 1/2 कप पानी चाहिए चीनी, ताकि पूरी भीग जाए अच्छे से। अब हम इसको एक तार की चाशनी बनाएंगे। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी गलना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब में दूध डाल दूँगी, क्योंकि चीनी मुझे बहुत गंदी लग रही थी। उसको साफ़ करने के लिए मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं जितनी भी चीनी की डस्ट थी सब ऊपर आ गई है। अब आप इसे किसी छन्नी की हेल्प से या स्पून की हेल्प से सारा डस्ट निकाल दीजिए साइड में करके। ये बहुत आराम से निकल जाता है। आप देख सकते हैं इसको मैंने सारा डस्ट इसका क्लियर कर दिया है। अब हमारी चाशनी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है। अब मैं इसमें 1 नींबू की स्लाइस डाल दूँगी, ताकि हमारी चाशनी जमे नहीं और एक बढ़िया सी स्मेल आए। आप देख सकते हैं 1 तार की चाशनी लगभग बन गई है हमारी। अब हम इसमें कुछ धागे केसर के डाल देंगे, ताकि एक बढ़िया सा कलर और खुशबू आ जाए हमारी चाशनी में। अब ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलिए हम बालूशाही के लिए डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया हुआ है। इसकी मेज़रमेंट मैंने स्टैंडर्ड कप से की हुई है। अब यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब भी बालूशाही बनाएं इसमें देसी घी का ही यूज़ करें, कोई रिफाइंड ऑयल या फिर कोई अलग ऑयल ना डालें, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 पिंच हम यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल देंगे। ये 1/2 टीस्पून से कम नमक लिया हुआ है, पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और कुछ धागे केसर के। सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे आटे का मिश्रण ऐसा होना चाहिए घी मिलाने के बाद में, कि जब आप हाथ में इसको लेके लड्डू बनाओ तो ये बन जाए। आप देख सकते हैं ये लड्डू बन जा रहा है, इसका मतलब घी बहुत अच्छा पड़ा हुआ है इसमें। अब हम इसमें 1/2 कप दही ऐड कर देंगे। दही हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे मैदे के साथ में। फ्रेंड, जो हलवाई ये बनाते हैं बालूशाही, वो कभी भी आटे को बहुत ज़्यादा मसल कर नहीं गूंथते हैं, बस उसे एक बाइंडिंग देते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसको मसल कर नहीं गूंथ रही हूँ, बस मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून पानी डाल दिया है। अब आटे के डो को मैं इकट्ठा कर ले रही हूँ लेयर वाइज। इसको हमने गूंथना नहीं है, तभी हमारी बालूशाही बहुत ही लेयरफुल और बहुत ही खस्ता बनेगी। आप देख सकते हैं आटा हमारा तैयार हो गया है। मैंने सारे आटे को इकट्ठा कर दिया है। ऊपर से हम थोड़ा सा घी लगाकर इसको 15 मिनट के लिए किसी चीज़ से ढककर रख देंगे। ये आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। आटे को रखे हुए हमें 10 से 15 मिनट हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से फूल गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इतने आटे में हमारे 7 बालूशाही बनेंगे। आप देख सकते हो इक्वल साइज़ का मैं इसको तोड़ के रख ली हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि आप कभी भी इसको बहुत ज़्यादा मसल कर मत बनाइए, बस धीरे धीरे हाथों के नीचे गदौरी में रख के इसको आप एक गोला दे दीजिए, ताकि ये लेयर वाइज पूरी बन जाए। आप देख सकते हैं इसको मैंने चिकना नहीं किया है, बस हल्के हाथ से घुमाकर बना लिया है बालूशाही। इसी तरह से हम सारी बालूशाही अपनी बनाकर तैयार कर लेंगे। और बीच में होल कर दीजिए। होल करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि नीचे ऊपर से अच्छे से बालूशाही हमारी दोनों तरफ से पक जाए। हमारी सारी बालूशाही बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हम तेल ले लेंगे। तेल हमारा बहुत हल्का गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए।
अपनी हम थोड़ी बालूशाही अभी तलेंगे। एक बार में हम चार बालूशाही तैयार करेंगे। अगर आपको आँच ज़्यादा लगे तो आप बीच में गैस बंद कर सकते हैं। अब हम इसे हर 2 मिनट पर पलटते जाएंगे, दोनों तरफ से सेकते जाएंगे। 2 मिनट हो गया है, अब हम इसे टर्न कर देंगे। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो गया है। ये प्रोसेस करने से हमारी दोनों तरफ से बालूशाही बहुत अच्छे से इक्वल पकती है और बीच में कच्चा नहीं रहता है। तो आप इसे पलट पलट कर सेकें। आप देख सकते हैं इसका साइज़ अभी डबल हो चुका है, जितना मैंने डाला था उससे डबल हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना बढ़िया लेयर वाइज बालूशाही बना है, बिल्कुल हलवाई जैसा, जैसे हलवाई बनाते हैं लेयर वाली बालूशाही। इसको हमें पूरा तलने में लगभग 5 से 15 मिनट लग जाता है। आप देख सकते हैं हमारी बालूशाही बिल्कुल तलकर रेडी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट कुक हो गई है दोनों तरफ से, बढ़िया दिख रही है कितनी। ये आप देख कर ही लग रहा होगा कितनी क्रिस्पी दिख रही है, दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है। अब हम बाकी की बची हुई भी बालूशाही डाल देंगे, उसी तरह से हम तैयार कर लेंगे इसको। अब पहले जो मैंने चाशनी बनाई थी उसी चाशनी में हम सारी बालूशाही को डाल देंगे और लगभग 5 से 6 मिनट के लिए हम इसमें डूबा रहने देंगे बालूशाही को चाशनी में, ताकि हमारे सारे बालूशाही अच्छे से चाशनी पी लें, अंदर तक पूरा चाशनी अच्छे से सोख लें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब 5 से 6 मिनट हो गया है, चाशनी अच्छे से बालूशाही के अंदर जा चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हम गार्निशिंग करेंगे। आप कोई भी चीज़ से गार्निशिंग कर सकते हो। मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाऊंगी, बिल्कुल स्वीट शॉप पे जैसी मिलती है बालूशाही वैसे ही मैं इसका टच दूंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर चांदी का वर्क लगा रही हूँ। आप अगर चांदी का वर्क आपको 100% वेजिटेरियन ना मिले तो आप ना लगाएं, क्योंकि चांदी का वर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। अब मैं इस पर ये देख सकते हो पिस्ता से ऊपर से गार्निशिंग कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। अगर आपके घर में रबड़ी है तो आप रबड़ी के ऊपर भी इसको सर्व कर सकते हो। ये देखिए बन गई हमारी हलवाई जैसी बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया दिख रही है फ्रेंड्स। ये बालूशाही बिल्कुल हलवाई जैसी हमारी बनकर तैयार है। तो आप भी किस बात का वेट कर रहे हैं, जल्दी से बनाइए और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।